लवकेश कटारिया एंड विशाल पांडे दोनों का स्टेज पे ऐसा कुछ हुआ जैसे देखकर लोगों को लग गया है कि कंप्लीट बहुत ज्यादा फाइट होने वाला है बिग बॉस OTT3 के घर पे। लवकेश कटारिया जो कि है अल्पेश यादव के बेस्ट फ्रेंड और जिनके नाम से ही उसको मिल गया है चांस बिग बॉस OTT3 पे, जो कि स्टेज पे सबके सामने लवकेश ने खुद भी एक्सेप्ट किया है। और ऑपोजिट साइड पे है विशाल पांडे जो कि है कंटेंट क्रिएटर, उनको जानते भी होंगे सभी लोग क्योंकि बहुत सालों से वो काम कर रहा है और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी बनाता है। उसका दो दोस्त थे समीक्षा और ववीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तीनों का ट्रायो बहुत ज़्यादा फेमस था, तीनों का एक साथ एल्बम भी गाना आया है बहुत बार। तो यह सभी विशाल पांडे जो है बिग बॉस OTT3 के घर के अंदर गए हैं, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले लवकेश के साथ उसका ऐसा टकराव हुआ जिससे लोगों को लग गया कि बहुत ज्यादा फाइट होने वाले हैं। तो जो लोग देख रहे हैं बिग बॉस OTT3 उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता है उसके लिए तो आ जाती हूँ मैं आप लोगों के पास लेकर बहुत सारे न्यूज एंड बहुत सारे गॉसिप्स। चलिए बात करते हैं, मुद्दे में आते हैं। उसके पहले सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मिक्स पंच विद सुपर्णा। रिक्वेस्ट करूंगी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट करना और किस बात की नाराजगी, जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वीडियो को जो कोई भी मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हो जो कि है मिक्स पंच विद सुपर्णा तो प्लीज फॉलो कर दीजिएगा एंड इट्स एन स्मॉल रिक्वेस्ट। चलिए बात करते हैं, मुद्दे में आते हैं लवकेश कटारिया एंड विशाल पांडे के स्टेज में जो आर्गुमेंट हुआ उसके बारे में। तो यहाँ पर अनिल सर ने स्टेज के ऊपर लवकेश को पूछा था कि आपका कितना फॉलोअर्स है, विशाल का कितना फॉलोअर्स है। तो विशाल का है ऑलमोस्ट 9 मिलियन एंड लवकेश का है 1 मिलियन, 1.9 मिलियन, मतलब 2 मिलियन होने वाला है। तो उसके बाद लवकेश ने अपना चीजों को रखा कि मेरा तो उतना फैंस नहीं है लेकिन मेरा भाई का बहुत ज्यादा अल्पेश का है, तो अल्पेश का उन्होंने नाम लिया स्टेज के ऊपर। उसके बाद अनिल सर ने पूछा कि आप दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हो, मतलब विशाल को पूछा कि आप लवकेश को फॉलो करते हो और लवकेश को पूछा विशाल को फॉलो करते हो। यहाँ पर लवकेश ने कहा कि उनका तो डांस वांस का वीडियो आता है 2-3 मिनट का, तो मैं ऐसे हटा देती हूँ क्योंकि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है डांस पे। उसी साइड पे विशाल ने बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत ही हम्बल वे में आंसर किया, मैंने अल्पेश के साथ उनका एक वीडियो देखा था जो कि मैंने स्किप ऐसे नहीं किया, मैंने पूरा देखा था एंड मैंने फॉलो नहीं किया क्योंकि हम दोनों का वाइब अलग है, दोनों का जोन अलग है एंड सेम थिंग लवकेश ने भी कहा। तो इसी बीच दोनों के बीच थोड़ा बहुत आर्गुमेंट थोड़ा दिखाई दिया स्टेज के ऊपर, लेकिन बोलते हैं ना कि सारी चीज चेंज हो जाता है बिग बॉस के घर पे। स्टेज पे तो थोड़ा आर्गुमेंटिव था, थोड़ा नेगेटिव दिखा, लेकिन घर पे जाकर सबसे अच्छा बॉन्डिंग लग रहा है जो कि ब्रदरली बॉन्डिंग सामने आ रहा है, वो है लवकेश कटारिया एंड विशाल पांडे का। एक चीज तो समझ गए होंगे लवकेश के बारे में विशाल के, लवकेश जो है जैसे अल्पेश थे सेम ही है वो, लवकेश की भी इमेज सेम ही लगा उसका वे ऑफ टॉकिंग एंड जैसे चीजों को वो हाईलाइट करता है जैसे बात करता है, तो सारी चीज ऑलमोस्ट अल्पेश का ही भाई है। एंड यस, विशाल को लग गया शायद कि लवकेश ऐसा ही है, बंदा गलत नहीं है और बहुत प्यारा भी लग रहा है लवकेश। तो इन दोनों का जो बॉन्डिंग है वो सामने दिख रहा है, तो अगर ये बॉन्डिंग अच्छा रहा, ऐसे ही चलता रहा, आगे जाकर एक भाईचारा हम देख सकते हैं, ये तो हम अज्यूम कर ही सकते हैं। तो अगर आप बिग बॉस OTT3 देख रहे हो, क्या इन दोनों को एक साथ आप लोग पसंद कर रहे हो, जरूर कमेंट करके बताना। दोनों को एक साथ मुझे पूछोगे तो काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि दोनों ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और दोनों का जो बॉन्डिंग है वो बहुत प्योर दिख रहा है, कोई फेक तो अभी तक दिखा नहीं। अगर आप भी देख रहे हो बिग बॉस OTT3 तो आपको क्या लग रहा है, ये बॉन्डिंग आगे जाने वाला है, ग्रो करने वाला है या टूटने वाला है बहुत गंदा तरीके से, क्या लगता है, क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जरूर कमेंट करके बताना। एंड अभी के लिए इतना ही, रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट, एज अ अप्रिशिएशन आप लोग सुपर थैंक्स कर सकते हो, साथ ही साथ मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो फॉर द एक्सक्लूसिव कंटेंट। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। बाय बाय।